हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस क्लासेस। माय सेल्फ धीरज कुमार। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक टेंथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे फिक्स है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। इस चैप्टर से फिक्स है एक या दो क्वेश्चन आएंगे और ये बिल्कुल आसान सा होता है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है ना, और ये एक पैटर्न पता हो कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इसका क्वेश्चन आसानी से बन जाता है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस कैलकुलेटिव होता है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग सारे मेथड्स पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरह से अलग अलग मेथड से हम लोग कैलकुलेशन को कम करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या, मीन, मीडियन और मोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीन चीज है और ये तीनों टॉपिक से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है टेंथ सीबीएसई और टेंथ आईसीएसई दोनों के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस ये है दोनों क्लासेस में, यानी कि टेंथ सीबीएसई और टेंथ आईसीएसई में ये डिफरेंस है कि टेंथ सीबीएसई में मीन, मीडियन, मोड का मीन वाला फॉर्मूला तो कॉमन है दोनों में, सीबीएसई में भी है और आईसीएसई में भी है ना। मीडियन का जो है, मीडियन टेंथ सीबीएसई में जो पढ़ना है ना, उसको एक नया फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला दिया गया है उसको निकालने के लिए, जबकि टेंथ आईसीएसई में बस बेसिक्स वाला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मिडिल मोस्ट टर्म्स होता है, फिर वो निकालने का मेथड वो है। अब मोड का भी टेंथ सीबीएसई में एक फॉर्मूला है, बस टेंथ आईसीएसई में नहीं है, टेंथ आईसीएसई में बस बेसिक्स वाला है। ठीक है, तो ठीक है, जितना जिसका जो यूज का होगा उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये टॉपिक आसान सा है, ध्यान से अगर देखिएगा तो इसका क्वेश्चन बन ही जाएगा, गारंटी है, है ना। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं ना, एक एक करके। तो यहां पे सबसे पहले पढ़ने वाले मीन, मीडियन, मोड। अब फिर मीन, मीडियन, मोड पढ़ने वाले हैं किस 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 का, यानी कि हम लोग जानते हैं, ऑफकोर्स सी बात है आप लोग 8th 9th में पढ़े होंगे, तो मीन किसका निकालते हैं हम लोग, गिवन ऑब्जर्वेशन का यानी डेटा का, मीडियन भी और मोड भी, है ना। तो अब ये इसमें एक प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं क्या कि सर हम लोग किस तरह का डेटा जो हम लोग ले रहे हैं ना, डेटा अलग अलग तीन तरीके से हम लोग लेते हैं, अलग अलग कलेक्शन होता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, यानी जो हम डेटा लिए वो अनग्रुप्ड है। अनग्रुप का मतलब समझ में आता है कि यानी कि हम जो किसी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि मान लीजिए कोई एक 9th क्लास है, 9th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम सारे स्टूडेंट्स का क्या है ना, एनुअल मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं कि सब सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना आया। तो हम चूंकि सबका अलग अलग मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा बोलते हैं। ग्रुप नहीं किया हुआ है ना, सबका अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो इसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। दूसरा तरह का डेटा क्या होता है, फॉर अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा। अब अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा का मतलब होता है ना कि सपोज फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिए कि उसी अब अगले क्लास का, किसी और क्लास का लेते हैं, मान लिए 10th क्लास का लिए, 10th क्लास में मान लो 60 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है ना। अब हम लोग मार्क्स देख रहे हैं कि सबका मार्क्स अगर हम लोग कलेक्ट करने गए तो पता चला कि 44 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 44 लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 55 लाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं और 73 लाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक ही सेम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 या 8 या 9 या 10 किसी तरह के, यानी 2 या 4 से ज़्यादा लोग हैं उसमें, है ना। तो इसको जो हम लोग जब डेटा कलेक्ट करेंगे ना, तो अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। अनक्लासिफाइड इसलिए चूंकि एक ग्रुप एक क्लास में नहीं दे रहे हैं हम लोग, एक फिक्स पार्टिकुलर मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं उसको कलेक्ट किए, मान लो 44 लाने वाले कितने हैं, 7 स्टूडेंट, कलेक्शन हो गया। फिर 55 लाने वाले कितने हैं, 9 स्टूडेंट, कलेक्शन हो गया। 73 लाने वाले कितने हैं, 7 स्टूडेंट, एक कलेक्शन हो गया, तो है ना। तो हम ग्रुप में बांट रहे हैं ना कि एक पार्टिकुलर मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स, दूसरा पार्टिकुलर मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट, तो ये एक ग्रुपिंग बना ना, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा बोलते हैं, अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा बोलते हैं, है ना। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें ये जो हम लोग फिक्स करते हैं ना 43 लाने वाले 8 स्टूडेंट से, तो वो कहलाता है ना कि 43 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, यानी 43 कितने बार आ रहे हैं जब हम कलेक्शन करने जा रहे हैं क्लास का मार्क्स, तो 43 कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। तो वो जो रिपीट करता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि किसी सेम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उस मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है, 8 है। 55 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने, 9 है। 73 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने, 7 है। तो वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो क्या हो गया, फॉर अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा है, है ना। तीसरा जो हम लोग देखते हैं वो होता है क्लासिफाइड ग्रुप डेटा, क्लासिफाइड और वो भी ग्रुप्ड है,
ग्रुप डे मतलब इसमें भी एक, इसमें भी सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हम लोग एक क्लास बनाते हैं, फिक्स इंटरवल बनाते हैं, कहने का मतलब कि 0 से 10 बनाए, फिर 10 से 20, 20 से 30। 0 से 10 लाने वाले कितने मार्क्स हैं, तो 0। 10 to 20 लाने वाले कितने, उसमें भी 0। 20 से 30 लाने वाले, मान लेते हैं कोई एक दो स्टूडेंट नालायक होगा जो फेल कर गया, नहीं ला पाया, तो वो 20 to 30 के बीच में आ जाएगा। 30 to 40 लाने वाले कितने, 5 लोग हैं। 40 to 50 लाने वाले कितने, 9 लोग हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यानी हम लोग क्या किए, एक क्लास में बांट दिए, एक इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आपका मन है तो आप 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, इस तरह से हम लोग क्लास बांटेंगे और उस क्लास में मार्क्स जितने स्टूडेंट लाए उसको उस कलेक्शन में रख दिए। तो इस तरह के क्लास इंटरवल, यानी कि इस तरह के जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड ग्रुप डेटा। तो ये 3 तरह का डेटा हम लोग 8th-9th में जो पढ़ते हैं सिर्फ ये वाला पढ़ते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए, यानी अलग अलग, कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो उसका 10 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, इस तरह से सबका अलग अलग पता होता है, सबको सम कर देते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो वो मीन निकल जाता है। मीडियन निकालने में भी क्या करते हैं, सबको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं, जो मिडिल मोस्ट होता है वो मीडियन हो जाता है। मोड में क्या करते हैं, हम लोग फिर से वो देखते हैं डेटा में कि सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, वो मोड हो जाता है। ये 3 जो था, ये 3 बेसिक्स है, यानी फॉर किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये बेसिक्स सबको पता होता है ना। हम लोग को जो मेन पढ़ना है ना, वो पढ़ना है किसका, फॉर अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा के लिए और क्लासिफाइड ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। इस क्लास में हम लोग एक एक करके डील करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है, फिर उसके बाद मीन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मॉड पढ़ेंगे एक एक करके। मीन आई होप कि जनरली सब जानते हैं, तो पहले मीडियन देख लेते हैं, एक एक करके सब पढ़ने ही वाले हैं हम लोग एक एक लेक्चर में। तो आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, कंप्लीट मीडियन, जितने भी 3 डेटा के लिए, अनग्रुप्ड के लिए, ग्रुप्ड के लिए, और फिर अनक्लासिफाइड और क्लासिफाइड, सब के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके, तो यहां से हम लोग देखें कि मीडियन क्या होता है, आप लोग बताइएगा। मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा के लिए सबको पता होगा, आई होप कि सबको पता होगा क्या होता है अनग्रुप डेटा के लिए। हम लोग गिवेन ऑब्जर्वेशन को मान लिए, सपोज कि हम लोग मान लेते हैं x1, x2, x3 और x4, x5, x6 और x7, इस तरह से और भी डेटा है, हम लोग इतने ऑब्जर्वेशन लिए। हमारा रूल कहता है मीडियन निकालने में कि सबसे पहले गिवेन ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो x1 मान लेते हैं कि लेस देन है x2 से, x2 लेस देन है x3 से, x3 लेस देन है x4 से, x4 लेस देन है x5 से, ये लेस देन है x6 से, और ये x लेस देन है 7 से। यानी हम ये देख के लग रहा है इससे कि ये हमारा जो गिवन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, हम लोग सपोज मान लेते हैं कि ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज्ड है, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक चीजें होती है कि मीडियन, अगर हम लोग को प्रॉपर प्रोसेस से अगर नहीं निकालना हो, ऐसे ही डायरेक्ट निकालना हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है मीडियन का, मीडियन ऑफ अन कि मिडिल मोस्ट टर्म्स आफ्टर रीअरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, देन मिडिल मोस्ट टर्म इज कॉल्ड क्या, मीडियन। तो मिडिल मोस्ट टर्म सबसे कौन सा है, सबसे बीच में देखो यहां से, तो थर्ड टर्म्स जो है ये जो x4 है वो सबसे बीच में है ना, इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो ये सबसे बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन। तो यानी मीडियन यहां क्या हो जाएगा, मीडियन x4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग मीडियन, अगर ये ऑब्जर्वेशन, ये अभी कितने थे टोटल, 7 थे, ऑड नंबर ऑफ थे ना ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन, यानी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब तो एक ही बीच में मिला। अगर सपोज मान लो कि मैं ऑब्जर्वेशन ये लेता हूं, अब मैं अभी ये मान के चलता हूं सारे असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन लूं x1, x2, x3, x4, x5, x6, 6 ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है। तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म अगर हम लोग देखें ना, तो 2-2 आ रहा है, ये और ये, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो बीच में 2-2 आ गया। तो इस केस में मीडियन जो होता है ना, इस केस में मीडियन जो होता है वो होता है दोनों का सम x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 से। यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो मिडिल मोस्ट टर्म एक ही मिलेगा और वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है।
अगर ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो, इवन नंबर ऑफ हो, तो उसके मिडिल मोस्ट दो टर्म्स मिलते हैं। तो सिंपल सा है, क्या करना है, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देना है। ये हो गया मीडियन, ये हो गया किसके लिए, हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये हुआ डायरेक्ट, हम डायरेक्ट कहां पहुंच गए, मीडियन पे। अब होता है एक मीडियन का टर्म्स, यानी कौन से पोजीशन वाला टर्म्स जो है ना वो मीडियन होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2, 5, 7, 8, 9, बस छोटा सा समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मीडियन पूछेगा, है ना। तो मीडियन तो आप लोग देख के बता दीजिए, ऑब्जर्वेशन चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये मीडियन हो गया सर, ये 7। इस केस में मीडियन कितना हो गया, मीडियन, मीडियन का वैल्यू हो गया 7। बट पूछेगा कि मीडियन कौन सा टर्म्स होगा। अगर हम लोग को इस तरह से ढेर सारा ऑब्जर्वेशन हो, हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि मीडियन कौन सा टर्म्स होगा, मीडियन का टर्म्स, पोजीशन, टर्म्स का मतलब हुआ ना कि कौन किस पोजीशन पे मीडियन है। गिवन 5 ऑब्जर्वेशन में मीडियन कौन वाला टर्म्स है, जो 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 में से कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो मीडियन होगा। तो उसका रूल होता है कि अगर पहला रूल होता है कि इफ एन क्या हो, एन बिलोंग्स टू ऑड या एन ऑड हो, अगर एन ऑड हो तो इस केस में मीडियन जो मिलता है ना, इस केस में मीडियन जो मिलता है वो होता है n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ये टर्म्स जो होगा ना, ये हो जाएगा मीडियन। कब, जब n क्या हो, ऑड हो। n जब ऑड होगा तो मीडियन कौन सा टर्म्स होगा, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। समझते हैं इसको, यहां बताओ n कितना है, n 1, 2, 3, 4, 5 है, n की वैल्यू 5 है, ऑड है ना। देख के लग रहा है ये क्या है, ऑड है, देख के क्या लग रहा है पता ही होगा आपको, ठीक है। तो मीडियन का टर्म्स कौन सा होगा, मीडियन हो जाएगा यहां पे, मीडियन का टर्म्स जो होगा वो होगा 5 प्लस 1 बाई 2। यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो थर्ड टर्म कौन सा आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है ना। ये मीडियन का वैल्यू नहीं है, मीडियन का टर्म्स है, यानी कि किस पोजिशन वाला जो होगा, सॉरी, यानी ये बताता है ना कि किस पोजीशन वाला जो है ना वो मीडियन होगा। तो थर्ड टर्म हम लोग काउंट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी थर्ड टर्म, ये टर्म्स जो है वो मीडियन होना चाहिए। तो हम लोग पहले भी देख चुके थे कि मीडियन का वैल्यू कितना है, 7 है। तो ये डायरेक्ट हम लोग जो करते हैं ना वो है मीडियन का वैल्यू निकलता। अगर इस प्रोसेस से चलेंगे तो ये बताता है पोजीशन, मीडियन का पोजीशन, यानी किस पोजीशन पे मीडियन है, यानी मीडियन का टर्म्स बताता है ना, ठीक है। तो ये हो गया ऑड के केस में। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल इवन का केस में, है ना, कि सपोज मान लेते हैं अब ऑब्जर्वेशन जो हमारा हो क्या, इवन नंबर ऑफ, इवन नंबर है, यानी अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, मान लेते हैं 2, 5, 6, 8, 9 और 10, ठीक है। यहां पे मीडियन अगर डायरेक्ट निकाले हम लोग, अगर ऑब्जेक्टिव वो डायरेक्ट मीडियन निकाले, चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो मीडियन हमारा मिडिल मोस्ट कौन सा है, 6 और 8। इस केस में हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 6 प्लस 8 बाई 2, यानी कि 7। ये मीडियन का वैल्यू आ गया, है ना, कि ये गिवन ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या होगा, 7 होगा। बट हम चाहते हैं ना कि इसका पोजीशन क्या हो, मीडियन कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो मीडियन होंगे। तो उसके लिए फिर रूल होता है दूसरा रूल, हम लोग पहला देखे थे जब n ऑड था। इस केस में मान लेते हैं n बिलोंग्स टू इवन नंबर, अगर n इवन होगा तो इस केस में 2 मीडियन मिलता है। कौन कौन सा होता है मीडियन का टर्म्स, इस केस में मीडियन जो होता है ना वो होता है n बाई 2th टर्म, और एक होता है साथ साथ एंड n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये होता है, 2 मीडियन टर्म्स होता है, ठीक है, ये होता है। तो सपोज एग्जांपल से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये टर्म्स यानी n बाई 2th टर्म और n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों टर्म्स जो होगा वो मीडियन होगा। एग्जांपल्स को वेरीफाई कर लेते हैं भाई, यहां से देख लेते हैं, चूंकि इसमें देखो n कितना है, n 6 है, तो मीडियन कौन कौन से टर्म्स हो गए, एन बाई 2th टर्म, यानी कि मीडियन जो होगा वो एन बाई 2th यानी कि थर्ड टर्म, एंड साथ साथ एन बाई 2 प्लस 1, यानी कि एन बाई 2 कितना है, 6 बाई 2 3 और प्लस 1 यानी कि 4th टर्म।
तो भाई हम लोग प्रोसेस देखें तो n by 2 कौन सा है थर्ड टर्म और n by 2 plus 1 कौन सा है फोर्थ टर्म, यानी कि गिवन ऑब्जर्वेशन में थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये दोनों जो होगा वो मीडियन होगा। तो हम लोग निकाले थे तो देखो 1, 2, 3 थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है ना, ऑलरेडी हम लोग देख लिख चुके हैं कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये मीडियन था। तो ये मीडियन का टर्म्स निकला ना, मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम थर्ड टर्म का वैल्यू रखेंगे, थर्ड टर्म ये उसका वैल्यू कितना 6, फिर फोर्थ टर्म का वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अगर हम लोग मीडियन जो होगा ना यहां से ऐसे करते हैं n by 2th टर्म प्लस n by 2th टर्म, ये दोनों अलग अलग निकाल लेते हैं, ये पोजीशन कितना था 6, ये वाला कौन सा था फोर्थ पोजीशन यानी उसका वैल्यू कितना था 8 और डिवाइडेड बाय कितना कर देते हैं 2। ठीक है, तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बेसिक्स है, इसको समझना है क्या कि अगर पहले चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहला काम मीडियन जब भी आए तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि कितने टर्म्स है, ऑड है या इवन है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो हम लोग सबसे मिडिल मोस्ट जो सबसे बीच में आएगा वो मीडियन हो जाएगा। अगर हम लोग ढेर सारा ऑब्जर्वेशन है नहीं कर पा रहे हैं तो उस, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं कौन सा, अगर दो केस होता है कि मीडियन का वैल्यू पूछा और एक मीडियन का पोजीशन, यानी कि गिवन ऑब्जर्वेशन में किस पोजीशन वाला कौन सा टर्म्स है जो मीडियन होगा। अगर सीधे मीडियन निकालने को बोलेगा तो मिडिल मोस्ट टर्म, अगर पोजीशन बोलेगा, अगर ऑड है तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म, अगर n इवन है तो n बाय 2th और n बाय 2 प्लस 1th टर्म, है ना। इसका वैल्यू लिख लेंगे, इसका वैल्यू लिख के 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा है ना। तो अनग्रुप डेटा का ये निकालने का तरीका है मीडियन का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक क्लास का किसी भी क्लास का 9 स्टूडेंट्स का मार्क्स कलेक्शन किया गया, अब इस मार्क्स का मीडियन फाइंड करना है ना कि सबसे बीच में कौन सा मार्क्स है, यानी कि एक मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क्स है ना, देखो सबसे कम इसमें कौन सा है 21 है और सबसे ज्यादा कौन सा है 48 है, तो 21 से 48 के बीच में सबसे ज्यादा जो कौन सा ऐसा मार्क्स है जो उसके बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है, तो वो मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग यहां से देखेंगे, ओ पीछे आगे चला गया हम लोग, है ना। सबसे पहले सिंपल वाला ये था, हम लोग यहां अभी बाद में जाएंगे, पहले इसको एक कर लेते हैं, जल्दी से इसको कर लेते हैं, है ना। तो गिवन ऑब्जर्वेशन को इसका मीडियन फाइंड, ये तो अनक्लासिफाइड है ना, सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, कोई ग्रुप ग्रुपिंग नहीं किया है, कोई ग्रुप नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 9, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद सॉरी 9 से 14 से पहले 11, फिर 9, 11, उससे भी पहले 8 है, कौन कमीना है इतना कम मार्क्स लाता है ना, 8, 9, 11, फिर उसके बाद 14, फिर 15, हो गया 8, 9, 11, 14, 15, फिर उसके बाद कौन सा है 17, फिर 18, फिर उसके बाद कौन सा है 20, फिर उसके बाद कौन सा है 22, फिर उसके बाद कौन सा है मार्क्स है 25, शायद मे बी 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, जबकि 9 ऑब्जर्वेशन ही था, हम लोग को एक्स्ट्रा ले लिए क्या 8, 9, 11, इसमें 14 दिख रहा है, हाँ है 8 है 9 है 11 है 14 है 15 है, फिर 17 भी है, फिर 18 भी है, 20 भी है, 22 भी है, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा टोटल 10 स्टूडेंट्स है ना, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स का इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, चूंकि अब 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो मिडिल मोस्ट अगर डायरेक्ट निकालना चाहे हम लोग तो 4 इधर से और 4 इधर से, बीच में 2 कौन आ गया 15 और 17, यानी कि मीडियन क्या हो गया, मीडियन का वैल्यू हो जाएगा, मीडियन ये होता है क्या 15 प्लस 17 बाई 2, इसका सम कितना आएगा 32 बाई 16, यानी कि 16 है इसका मीडियन, यानी मीडियन बताता है सेंट्रल टेंडेंसी, गिवन ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सबसे बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन जो इधर वाला का लगभग सेम हो रहा हो, तो सबसे बीच में मीडियन हमारा सेंट्रल टेंडेंसी बताता है।
तो ये डायरेक्ट निकल गया। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीका से निकालना चाहे बाय प्रोसेस से तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है ना, यानी एन की वैल्यू कितना है 10 है। अब चूंकि ये इवेन है ना, इवेन है तो दो मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे भाई, तो मीडियन मिलेगा, कौन कौन सा देख लो, मीडियन मिलेगा यहां से एन बाई ट्वेल्थ टर्म यानी 10 बाई ट्वेल्थ टर्म मिलेगा ये वाला वैल्यू, और प्लस करना फिर होता है इसका अगला वाला टर्म्स क्या आता है 10 बाई टू प्लस वन एथ टर्म, ये लेंगे दोनों टर्म्स निकाल के फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, सिंपल सा है ना। अब यहां से देखा जाए तो ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कौन होगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म कौन सा है, ये टर्म्स बता रहा है कि फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म का वैल्यू कितना है 15, क्योंकि हम लोग मीडियन ऑब्जर्वेशन का निकाल रहे हैं, टर्म्स का थोड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस ये फिफ्थ प्लस वन सिक्स टर्म, सिक्स टर्म कौन सा है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 बाई 2 यानी यहाँ से आ जाएगा 16 मीडियन। तो चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव टाइप का हो तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इजी सा है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे, मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा। हम लोग अभी तक अनग्रुप्ड का पढ़ लिए पहला, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप का। अब ग्रुप में भी अनक्लासिफाइड दो तरह का होगा, ग्रुपिंग करने में भी ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, एक है कि पार्टिकुलर मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है इसका इस तरह का ग्रुपिंग, और एक है कि क्लास में बांट दिया हम लोग कि 0 से 10, 10 से 20 में कौन कौन लाइक कर रहा है, तो ये दो तरह का ग्रुप डेटा है। तो चूंकि सिर्फ पार्टिकुलर वाला जो हम लोग ले रहे हैं फ्रिक्वेंसी वाला, और किसी पार्टिकुलर का फ्रीक्वेंसी फिर किसी पार्टिकुलर का फ्रीक्वेंसी, तो वो होता है हमारा अनक्लासिफाइड, और जो क्लास में बटा हुआ था उसको क्या बोलते हैं क्लासिफाइड, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्या है अनक्लासिफाइड का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से ये इसका निकालने से पहले हम लोग एग्जांपल से, इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी हो गया, मीडियन निकालने का जो था ना वो बेसिक्स एन बाई टू एथ टर्म एन प्लस वो ऑड इवन देखते हैं और टर्म्स निकालते हैं वो है। अब हम लोग जब ग्रुप डेटा का पढ़ेंगे तब एक और फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, 2 से 3 ही है, बस क्वेश्चन इसमें अलग अलग होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा का, अब ग्रुप डेटा है, अब इसमें ध्यान से अगर देखो ना ये क्या है, वन मार्क्स कुछ भी होगा मान लो किसी चीज का है, वन लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 8 हैं, वन वाले कितने, वन कितने बार आ रहा है रिपीट 8 times, 2 कितने टाइम्स आ रहा है 10 times, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 11 times। तो अगर हम लोग बेसिक्स जो पढ़े थे अनग्रुप डेटा के लिए, यानी ऐसे जो अभी पिछले क्वेश्चन में देखें, अगर उस तरह से निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग 1 को 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 को फिर कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 10 times, 3 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 11 times, 4 को 16 times, तो हम लोग अरेंज करते करते ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, अरेंज करना इसका पॉसिबल नहीं है, अरेंज नहीं कर पाएंगे भाई। तो जब अरेंज नहीं कर पाएंगे तो मिडिल मोस्ट भी नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तो दिक्कत हो गई भाई। तब इसके लिए एक दूसरा सा मेथड आता है, वो कौन सा मेथड होता है देखिए आप लोग को बताता हूं मैं, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ना कि सबसे पहले गिवेन ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है ना, इसको वर्टिकल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक्स को रखेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, ये 1 ठीक है, ये कितना हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर उसके बाद 6 7 8 और इधर हो गया 9, ठीक है, इस तरह से ले लिए। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है, 1 का 8 है, ये 10 है, फिर यहाँ से 11 है, फिर यहाँ से 16 है, फिर यहाँ से 20 है, 25, 15, 9 और 6, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये बताता है कि 1 8 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इस तरह से सबकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मीडियन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CF, नाम सुने हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये होता क्या है बताता हूं मैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बताता है ना, किसी भी ऑब्जर्वेशन या क्लास का अगर हम लोग CF निकालना चाहते हैं ना, तो जिस क्लास का लिखना चाहते हैं
तो उस क्लास और उससे पहले वाले जितने भी फ्रीक्वेंसी सबका सम करके लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अगर 1 का CF निकालना चाहे तो 1 कितना है, 8 है, 8 से पहले कोई है और नहीं है तो इस केस में 8 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2 का अगर CF निकालना चाहे ना तो ये बताता है, इसका अगर निकालना तो इससे पहले वाले सबका सम लेते हैं, तो इसके पहले वाला कौन कौन है, 10 और 8 है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर इसका लिखना चाहते हैं तो इसके पहले यानी इसका और इससे पहले सबका सम लेते हैं, तो यानी सिंपल सा है, सबका सम करने से बढ़िया ये तो आ ही रहा है सम, इसमें ऐड करते चले जाओ, इस 8 हो गया, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा 65, ये 65 जो आ रहा है ना ये 20 और 20 से पहले वाले सबका सम है, एक्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, है ना। 65 प्लस 25 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105, और फिर 105 को इसमें ऐड करेंगे, 105 में 9 को ऐड करेंगे तो 114, 114 में 6 ऐड करेंगे तो 120, ये हो गया CF। अब ये जो CF आता है ना लास्ट वाला जो टर्म्स, देखिएगा ध्यान से, ये जो लास्ट वाला जो सम आएगा ना पक्का ये सारे फ्रीक्वेंसी का सम आएगा। अब इसमें आप लोग बताइएगा ध्यान से कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ध्यान से अगर, यानी 1 कितने टाइम्स आए 8 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आए 10 टाइम्स, 3 कितने टाइम 11 टाइम, यानी सबको अलग अलग काउंट करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है सम कि ये फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वही होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये 8 क्या बताता है कि 1 8 टाइम्स आया, 10 क्या बताता है तो 8 टर्म्स हो गया, 10 2 टाइम्स आया, ये 2 कितने टाइम्स आया 10 टाइम्स, तो 10 बार इधर हो गया तो 8 प्लस 10 18 ऑब्जर्वेशन, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना इसका सम जो बताता है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बताता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये समेशन है, सिंबल है, तो समेशन ऑफ एफ जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। और ये देखिएगा इसका सम कीजिएगा ना तो ये गारंटी है किसके इक्वल आएगा, तो यहां पे ऑल एन की वैल्यू कितना हो गया 120, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग मिडिल मोस्ट टर्म ढूंढना मुश्किल है, तो इसमें हम लोग फिर से वही, अब मीडियन निकालने का तो वही तरीका है कि कौन सा ऐसा टर्म्स है जो मीडियन होगा, तो अभी बताए थे कि अगर n ऑड हो तो एक टर्म्स मिलेगा, n इवन हो तो दो टर्म्स, इस केस में n हमारा क्या है, इवन है, इस केस में हमारा n जो है वो इवन है, तो पक्का है कि दो मीडियन मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, मीडियन जो मिलेगा वो होगा n बाय 2th टर्म, n बाय 2th टर्म का बोले तो 1 बाय 120 बाय 2th टर्म प्लस 120 बाय 2 प्लस 1th टर्म, ये वाला हो गया, ये दो टर्म्स जो है वो मीडियन मिलेगा, और मीडियन क्या होता है, दोनों का सम करके क्या करना होता है, 2 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। अब ये 1 बाय 20 क्या दे रहा है, यहां हम लोग ऊपर लिखते हैं इसमें, तो यहां से मीडियन जो आएगा, मीडियन वो देखिएगा ये 60th टर्म है ना, और प्लस ये 61th टर्म है ना, ये है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 करना है। अब ये देखना है ना कि वो 60th पोजीशन पे यानी 120 टर्म्स है, 120 ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो 60वें नंबर पे है ना 60th पोजीशन पे है वो वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है, फिर 61 प्लेस पे जो है उसका वैल्यू कितना है, तो हम लोग CF से पता लगाते हैं ना, ये बताता है ना कि यहां तक बता रहा है, ये 8 बताता है अब तक 8 ऑब्जर्वेशन, ये बता रहा है अब तक 18 ऑब्जर्वेशन 29 45। अब ये जो बताता है ना, ये जो बताता है, देखो ध्यान से देखना, 8 से 18 वाले जो ऑब्जर्वेशन है ना वो इसमें लाइक कर रहे हैं, इस केस में 0 से 8 वाले ऑब्जर्वेशन इसमें, 8 के बाद और 18 तक किसमें है, इसमें है, 18 के बाद यानी 19 से 29 वाला किसमें, इसमें है, 29 से 45 वाला किसमें, इसमें है, और 45 से 65 यानी कि 45th ऑब्जर्वेशन यानी कि 45 के बाद वाला यानी 46 से लेकर के 65 ऑब्जर्वेशन जो है ना वो इसमें लाइक कर रहा है, इस केस में, तो हमारा कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 60th और 61th है, वो किस में लाइक करेगा, इस क्लास में लाइक करेगा, और दोनों का वैल्यू क्या है, 60वां नंबर भी इसमें है
और 61 वाला भी, उसका भी वैल्यू 5 है और 61 का भी 5 है, यानी ये वाला भी वैल्यू कितना है 5 है, 61 भी कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मीडियन कितना हो जाएगा 5। यानी सिंपल सा है कि अगर अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास टाइम हो काफ़ी, तो आप लोग बैठ के सबको एक एक करके, 1 को 8 बार लिखिएगा, 2 को 10 टाइम्स लिखिएगा, 3 को 11 टाइम्स लिखिएगा, तो आप देखिएगा ना कि जो सबसे मिडिल मोस्ट होगा वो 2 टर्म्स होगा और वो दोनों जो होगा वो 5-5 होगा, है ना। ये तो ये तरीका है, क्या तरीका हो गया कि ये तो तुम्हें गिवेन रहेगा x और f, हमें करना क्या, एक कॉलम और बनाना है cf का। cf कैसे निकालते हैं, जिस क्लास का लिखना होता है उसको उसके पहले वाले सबको ऐड करके लिखते हैं, है ना। इसमें लिखना, इसके पहले कोई नहीं था तो 8, इसमें लिखना हो तो 10+8, इसमें लिखना हो तो ये तीनों का सम, इसमें चारों का सम, यानी अपने से पहले वाले जितने भी है ना ऑब्जर्वेशन, सबका सम करते जाते हैं, तो ये cf निकलता है। फिर वहां से हम लोग देखते हैं कि n, पहले मीडियन निकालने के लिए n फाइंड करना पड़ता है, n क्या होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो मिल जाता है। अब यहां से हम लोग पता करते हैं इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो 2 मिलेगा, अगर ऑड होता तो सिर्फ 1 मिलता। अब यहां से मिल गया पोजीशन, यानी 60th टर्म और 61th टर्म, अब ये ढूंढना है कि ये किस में लाई करता है, तो ये cf बताता है कि 0 से 8 वाले किस में, इस केस में है, 8 के बाद वाले यानी 9 to 18 इस केस में है, तो हमारा देख सकते हैं कि 60 और 61 वाले किस में लाई करेगा, 45 के बाद, यानी 46 से लेके 65 वाले किस में, इस क्लास इसमें है, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में ये पोजीशन है, इसका वैल्यू कितना, चूंकि इसका वैल्यू लेना होता है तो इसका वैल्यू क्या है 5 है, और इसका भी वैल्यू कितना है 5 है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दें। तो ये होता है प्रोसेस किसका, अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक और है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद मैं फिर आ गया क्लासिफाइड ग्रुप डेटा का, है ना। एक और क्वेश्चन पीछे उसका अनक्लासिफाइड का करते हैं कि तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी एक पीछे देखे थे इसका एग्जांपल, जस्ट एक और देख लेते हैं ये सेम इसी का, है ना। अब जल्दी जल्दी देखेंगे, उतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। एकदम डायरेक्ट प्रोसेस से आते हैं, सबसे पहला काम इसमें x, इसमें f, और इसमें क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, cf निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें f का वैल्यू, x का वैल्यू कौन कौन सा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 1 है, ये 5 है, 11 है, 14 है, 16 है और 13 है, फिर उसके बाद कितना है 10 है, फिर 70 है। वाह, काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया 70, तो गारंटी यही मीडियन होने वाला है, वो गलती से कहीं आ गया क्या 70 से, आई होप 7 होना चाहिए, चलो जो है सो निकाल लें, हम लोग को मीडियन निकालने से मतलब है, है ना, ठीक है। तो अब चाहे ऑब्जर्वेशन किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन दे दे, लार्ज ऑब्जर्वेशन हो, स्मॉल ऑब्जर्वेशन हो, किसी तरह का हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग सी एफ निकालते हैं, अगला प्रोसेस, इसके पहले कोई नहीं है तो इसमें 1, इसमें अब चूंकि 5+1, 6, इसमें कौन होगा 11+5+1, यानी डायरेक्ट यहीं से ऐड करते चला जाओ, 17+14 कितना हो जाएगा 31, 31+16 कितना हो जाएगा 47, 47+13 कितना हो जाएगा 60, 60+10 कितना 70, 70+70 कितना 140 कितना 144, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं n की वैल्यू कितना आने वाला है, जो लास्ट वाला था वो पक्का इसका सम होगा, क्योंकि हम लोग पता है ना इस क्लास में इसके पहले सबका सम लेते हैं, तो n की वैल्यू कितना आ गया 144। फिर से हमारा ये क्या आ गया, इवेन आ गया, इवन आ गया, तो इसमें भी फिर से 2 मीडियन लाइव, 2 मीडियन टर्म्स होंगे, मीडियन के 2 टर्म्स होंगे, है ना, मीडियन 2 वैल्यू होगा, फिर दोनों का वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, सिंपल सा है। तो हम सबसे पहले मीडियन टर्म्स कौन कौन से हो जाएगा, मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 144/12th टर्म, और फिर इसमें ऐड कर देंगे किसको 144/2+1th टर्म, इस तरह इसको डिवाइडेड बाई फिर कर देंगे किससे, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा है 72th टर्म है 72, फिर यहाँ से ये देखें तो 70 ये है, फिर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2,
आ गया दोनों, यानी एक 72th टर्म और 73rd टर्म, ये दोनों जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, मीडियन के होंगे। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 72th टर्म कौन सा होगा, देख सकते हैं किस में लाइक कर रहा है। अभी तक यहां तक तो 60 है, 60 से 70 वाले इसमें, 70 से 140 वाले किस में लाइक कर रहे हैं, इस क्लास में लाइक कर रहे हैं, यानी इसमें कर रहा है, इस ग्रुप में है ना। 71 से लेकर के 140 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब इस ग्रुप में लाइक कर रहा है। तो 72 भी इसी में लाइक करेगा, 73 भी इसी में लाइक करेगा, तो उसका वैल्यू कितना है, 12 है। तो यानी इसका वैल्यू कितना, 12, इसका भी वैल्यू कितना, 12/2, कितना हो जाएगा आंसर, 12। आसान सा है ना, ठीक है। ये मेथड है निकालने का किसका, मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड, क्लासिफाई नहीं किया गया, अनक्लासिफाइड ग्रुप डेटा का है ना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन ऑफ क्लासिफाइड ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ क्लासिफाइड ग्रुप डेटा। फिर से एक एग्जांपल से ही किया गया, इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे बाद में, एक एग्जांपल से देखेंगे मीडियन ऑफ क्लासिफाइड ग्रुप डेटा में। इससे पहले कि हम लोग इसका फॉर्मूला ये देख लें, सॉल्व करने का मेथड, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसको, ये है ठीक है। इसमें जो हमारा डेटा है वो देखना किस तरह से है, कि 5 से 10 में 5 लोग हैं, 10 से 15 में 6 लोग हैं, 15 से 20 में 15 लोग हैं, इस तरह से है। इसमें तो और हम लोग को पार्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है कि कौन सा ऐसा मिडिल मोस्ट टर्म्स होगा जिसका वैल्यू ले सकते हैं। अगर इसका सबका सम भी कर दें और डिवाइड बाय 2, तो वो पता चलेगा कि किसी किसी इंटरवल में लाइक कर रहा है, एक फिक्स वैल्यू हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं है ना, एक एक करके। तो डायरेक्ट मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूं, फिर उसको मैं समझाता हूं एग्जांपल से कि कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, इस केस में मीडियन जो निकाला जाता है ग्रुप डेटा के लिए, वो निकाला जाता है किस तरह से, एल प्लस, मैं अभी समझाऊंगा सारे टर्म्स को, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ, और ये इधर इंटू H, ये H पहले लिखे चाहे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेयर, अब यहां पे समझना ये है कि L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये समस्या आएगा कि अब इसमें ये मीडियन क्लास क्या है सर, तो ये भी बताता हूं मैं कि मीडियन क्लास क्या होता है, ठीक है। एन बाई टू तो आपको पता ही है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा यहां पे रख देंगे। सी एफ क्या होता है, सी एफ जो होता है ना वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले, प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। यानी सिंपल सा है कि जो मीडियन क्लास आएगा ना, कोई एक क्लास इसमें जो होगा वो मीडियन क्लास होगा, तो उससे जस्ट उस क्लास के जस्ट पहले वाला जो सी एफ का वैल्यू होगा वो लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एफ तो पता है, एफ लेंगे कि एफ तो बहुत सारे हैं, तो एफ जो लेते हैं हम लोग वो मीडियन क्लास का लेते हैं। एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास, ये हो गया। और h जो होता है, h इज क्लास साइज, इधर ही कहीं लिख देता हूं, इधर ही h जो होता है वो होता है क्लास साइज, ये आसान सा है। क्लास साइज का मतलब हो गया कि ये देखो गैप कितने कितने का इंटरवल में, 5 से 10, 10 से 5, 5 का है ना, तो क्लास साइज कितना है, 5, 5 का, यानी h की वैल्यू इसमें कितनी है, 5 है। तो ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N बाई टू तो हम लोग पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टू, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में कह रहा हूँ, पाक नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितने सारे ऑब्जर्वेशन है इसका सम करके 2 से डिवाइड कर दिए। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट प्रिसीडिंग टू द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला। H क्लास साइज, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है सर हर जगह मीडियन क्लास आ रहा है, तो मीडियन क्लास इसमें से कोई एक क्लास होगा जिसमें कि मीडियन का वैल्यू छुपा है, यानी उसी में लाइक कर रहा है। अब वो ढूंढते कैसे हैं कि वो कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें मीडियन होगा,
तो वो ढूंढा जाता है n बाई टू के वैल्यू से। यानी क्या करना, जैसे कि हम लोग अब पीछे भी पढ़े हैं कि मीडियन कैसे ढूंढते थे, अगर n इवन हो तो दो और e ऑड हो तो एक, ठीक है। तो हम लोग यहां से समझेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे, फिर ये सब वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन को इसमें एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमारा है। फिर इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और सी एफ तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन सा है, 5 से 10, 5 to 10, यहां कौन आ जाएगा, 10 to 15, 10 to 15, यहां आ जाएगा 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर आ जाएगा 25 to 30, फिर आ जाएगा 30 to 35, फिर यहां से आ जाएगा कौन सा, 35 से 40, और यहां से कौन सा आ जाएगा, 40 से 45। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, 6 है, 15 है, 10 है, 5 है, 4 है, 2 है और 2 है, ये फ्रीक्वेंसी है। हमें सबसे पहले तो सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ पता है कैसे निकालते हैं, इसका 5 हो जाएगा, इसमें 6 + 5 = 11 हो जाएगा, 11 + 15 = 26, 26 + 10 = 36, 36 + 5 = 41, 41 + 4 = 45, 47 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 49। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 49, और ये पता है कि ये क्या है, ऑड है। मीडियन कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा। अब वो मीडियन किस में लाई करेगा, यहाँ से हम लोग पता करते हैं। तो मीडियन क्लास जो हम लोग निकालते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि हम सबसे पहले n बाई ये निकालते हैं, मीडियन टर्म्स कौन से मीडियन टर्म्स हो गए। तो मीडियन जो होता है ना, वो होता है मीडियन जो हम लोग निकालेंगे यहां से कौन सा होगा, n प्लस 1/2th टर्म, ये वाला टर्म्स होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये टर्म्स किस में लाइक कर रहा है, कौन से ऐसे क्लास में लाइक कर रहा है। यहां से पता चल रहा है कि ये 25th टर्म है ना, 25th टर्म। अब ये देखेंगे कि ये टर्म्स किस में लाइक कर रहा है, आसान सा है, ये 0 से 5 वाले इस क्लास में लाइक करेंगे, 6 टू 11 इसमें लाइक कर रहा है, 12 टू 26 इसमें लाइक कर रहा है। हमें चाहिए कौन सा, 25 टर्म, 25th टर्म। तो 12 से लेके 26 वाले किस में, इस क्लास में। तो ये जो क्लास आएगा ना हमारा, ये क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडियन क्लास। तो इसका मतलब यहाँ पे तो सिंपल सा है मीडियन क्लास ढूंढने का, हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करके, सॉरी सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि कितने टर्म्स हैं देख लेंगे, ऑड है तो एक ही होगा मीडियन, वो टर्म्स फाइंड करेंगे, वो टर्म्स को ढूंढेंगे कि किस क्लास में लाइक कर रहा है, वो किससे हम लोग देखते हैं, सी एफ वैल्यू में से। अगर वो पता चल गया कि वो किस क्लास में लाइक कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो गया, मीडियन क्लास वो हो गया हमारा 15 to 20, 15 to 20। यानी इतना तो अब हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं कि हमारा मीडियन जो है पक्का है कि इसी क्लास में लाई करने वाला है, सिंपल सा है ना। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला से, सब मिल गया, सब सेट है हमारा, अब हम लोग मीडियन निकालते हैं, ठीक है इसमें। अरे यार कोई नहीं कोई नहीं, यहां फिर से लिखना पड़ जाएगा, एक सेकेंड नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं लिख लेते हैं जल्दी से। ये x है हमारा, ये f है हमारा, ये हमारा कौन कौन सा था, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, और 40 to 45, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमारा भी पता था कितना था, 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2, सी एफ वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके थे क्या, 5, 11, 26, 36, 41, 45, 47 और 49। हम लोग को यहाँ से n की वैल्यू कितना मिल गया, 49 मिल गया। हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला हमारा जो है वो मीडियन क्लास है। अब एक एक करके सारे वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं अभी पीछे, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ
डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, अब एक एक करके सारे वैल्यू। L जो होता है क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। चूंकि ये हमारा मीडियन क्लास है तो इसका लोअर लिमिट कौन सा है, 15 है, यानी L की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। एक एक करके निकाल लेंगे। n by 2 का वैल्यू तो फिक्स यहां से दिख रहा है कि 49/2 है, यानी इसको बोले तो 24.5 है। ठीक है, फिर उसके बाद CF का वैल्यू देखें यहाँ से, तो CF का वैल्यू कितना होगा, हम लोग अभी पीछे देखे थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला, चूंकि मीडियन क्लास ये है तो इसके जस्ट पहले वाला जो वैल्यू होगा वो CF होगा, यानी 11 हो गया CF। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। एच की वैल्यू कितनी है, इसमें 5 है, तो एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब सारे के सारे वैल्यू मिल गए, इसमें पुट कर दो, तो यानी कि यहाँ से मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 15 प्लस यहाँ से 24.5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई एफ 15 इंटू एच इंटू 5। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो क्या आ रहा है वैल्यू, यहाँ से आएगा 15 प्लस ये 5 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 5 से 3 टाइम्स, ये 24 माइनस 11 कितना होगा 13.5, यानी कि 13.5 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना आया 3, इसका वैल्यू देखें तो 15 प्लस ये कट रहा है 3 4 जा ये, तो यहाँ से आ गया कितना 19.5, यानी मीडियन का वैल्यू कितना हो गया 19.5। तो देख सकते हैं 15 से 20 के बीच में लाई कर रहा है, वो भी वैल्यू कितना होगा 19.5। तो ये था मीडियन निकालने का तरीका। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग क्या क्या सीख लिए, अनग्रुप डेटा के लिए जो ऐसे ही सिंपली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स था उसका मीडियन निकालना, फिर उसके बाद किसका देख लिए हम लोग कि अनग्रुप्ड है, सॉरी अनक्लासिफाइड है बट ग्रुप में यानी कि गिवन ऑब्जर्वेशन का फ्रिक्वेंसी से दिया हुआ था, तो तीन देखे हैं हम लोग, क्या क्या देखे हैं, अनग्रुप्ड का, अनक्लासिफाइड ग्रुप का और एक क्लासिफाइड ग्रुप डेटा का, ये तीन तरीके हैं निकालने का। अब इस पर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जो क्वेश्चन आता है कि कभी ये मीडियन का वैल्यू दे देगा, ये निकालने को नहीं बोलेगा, मीडियन दे देगा और इसमें से किसी एक को गायब कर देगा, उसका वैल्यू पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।